माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को ही एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों को दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल चल जाने के मामले में दोषी करार दिया गया। इस साल 9 मार्च को गलती नाल चली सिरसा एयरफोर्स तो यह मिसाइल पाकिस्तान विच डिगी सी। उसके बाद तो भारतीय मिसाइल प्रणाली नू लेके दुनिया भर विच काफी किरकिरी हुई सी। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस गलती दे नाल चलन दे बाद 7 मिनटां विच ही पाकिस्तान दे 124 किलोमीटर अंदर जाके डिगी सी। हालांकि उस विच किसी तरह का हथियार नहीं होने के कारण कोई वड्डा नुकसान नहीं होया सी। इस दुर्घटना के बाद पाकिस्तान ने इस ते कड़ी आपत्ति दर्ज कराई सी। दस दिए कि एयरफोर्स ने इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इनकुआरी का गठन किया सी। कोर्ट ऑफ इनकुआरी की जांच के बाद पाया गया कि 3 अधिकारियों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसैस SOP का पालन नहीं किया सी। इसी वजह नाल यह दुर्घटना हुई। जिन्हां अधिकारियों नूं बर्खास्त किया है उन्हां विचों एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर अते एक क्वाड्रन लीडर शामिल है। रक्षा मंत्रालय दे बयान विच दस्या गया है कि 3 अधिकारियों नूं प्राथमिक तौर ते दुर्घटना दे लई जिम्मेदार मनिया गया। उन्हां दीआं सेवावां तत्काल समाप्त कर दित्तियां हन। इस दुर्घटना दे बाद सब तो पहला रक्षा मंत्रालय ने कहा सी कि रख रखाव दे दरम्यान किसी तकनीकी गड़बड़ी दे कारण मिसाइल चल पई। बाद विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद विच बयान दिता सी कि ब्रह्मोस दे रख रखाव इस दे ऑपरेशन अते निरखण दी SOP दी जांच कीती जा रही है। उन्होंने कहा सी कि साडे इत्थे इन्हां मिसाइलां दे रख रखाव निरखण अते ऑपरेशन दी काफी उमदा व्यवस्था है। लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दे दिया है। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की भी समीक्षा की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।